नमस्कार, मैं अंकुश और आज जुड़ी है हमारे साथ एक महिला। जानते हैं इनसे कि आज क्या बताया जाएगा डेरा सच्चा सौदा के बारे में, नया सच जो कि शायद हिला सकता है आपकी और मेरी भी नींद, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ नया नया बयान निकल निकल कर आ रहा है। तो जानते हैं इन महिला से कि ये क्या जानती है डेरा सच्चा सौदा के बारे में। माता जी, आपका नाम? मेरा नाम छोटो। कहाँ से आई है? जींद ब्लॉक हरियाणा। हरियाणा जी। कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हैं? जुड़ी हुई बेटा, मैं तो कम 30 साल तक। मतलब 30 साल हो गए और आप जैसे उम्र में हो, उस उम्र में इंसान एक साल में भी इंसान देखते ही बता देता है कि इंसान कैसा तजुर्बा होता है। हाँ बेटा, कभी बताएंगे कि डेरा सच्चा सौदा में कभी भी ऐसा कुछ गलत होता? कोई भी गलत नहीं देखा बेटा हमने, कोई भी गलत नहीं देखा हमने, बढ़िया बढ़िया देखा हमने जी। मारे पिताजी ने बहुत कुछ कर दिया, कैंसर भी काट दी, मेरे मानस का भी कैंसर थी, मेरे भी सब काला मोतिया हो गया था बेटा, मारी दोनों की आंख बन गई, उसकी जमा जड़ते कैंसर खो दी। हमने 2 साल हो गए बेटा, हम पेंशन ले आवा, हमने लॉकडाउन में भी पेंशन आड़े ली है जी। और हम तो बहुत खुश हैं। कैसे कहने, कैसे कैंसर ठीक हो गया? कैंसर बेटा, कैंसर तो बोल का काट दी, बोला बेटा बैठा हो ले, ये बैठा हो गया, बैठा होया बेटा, मुंह वादे, इसने मुंह वा दिया। मतलब कोई इलाज नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपके गुरुजी जो आपको गुरु मंत्र देते हैं उसको जपने से, जो आपको जो बस गुरुजी की शक्तियां जो आप कहते हो कि जो आपके गुरुजी आपको कहते हैं, आपने बस उसका जाप किया। हां बेटा, बस सिमरन सेवा। तो आप देख सकते हैं कि किसी का कैंसर तक सिर्फ गुरु मंत्र के जाप से ठीक हो जाता है। कहां लोग करोड़ों पैसे कैंसर की फर्स्ट स्टेज का कैंसर के लिए लगाते हैं, ये महिला सिर्फ एक गुरु मंत्र का जाप करने से अपना कैंसर ठीक करवा चुके हैं। माता जी बताएंगे कि क्या सिखाते आपके गुरु जो आज भी? कुछ भी शिकायत नहीं बेटा, हूँ धक्का से आई हो रहा, दुनिया बिखरी है। नहीं, आपके गुरु जी आपको क्या सिखाते जो आज खूब सिखाओ ना? तो बढ़िया सिखाओ बेटा, सारी शिक्षा अपनी बहू बेटिया ने बेटी समझो, जो भी है ना अपना भलाई के काम करो, कोई गलत काम ना करो जी, ये समझाव है बस, और कोई नहीं। माता जी, हमने सुना है कि डेरा सच्चा सौदा में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं, और आप ना, 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 जैसा ना, कि हम यहाँ देख पा रहे हैं काफी सारी महिलाएं। बेटा मैं तो 73 साल की होगी और 16 साल की कर दी पिताजी यहाँ की सेवा सिमरण, आज खुद दी चालू हूँ मैं जी। हाँ। तो आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे कि डेरा सच्चा सौदा में महिलाएं आ जा सकती है सुरक्षित? हाँ, खूब सारी 80-80 साल की जमा, खूब बढ़िया, कोई भी आओ कोई जाओ, कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, बहू बेटियां कोई डर नहीं आ रहा जी। तो इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा में बहन बेटियां सारी सुरक्षित हैं, कोई डर नहीं जी। तो माता जी बताएंगे कि डेरा सच्चा सौदा में किस तरह के कार्य होते हैं? जैसे हमने सुना है कि 134 मानवताओं के भलाई के कार्य होते हैं ये सारे बेटा, भलाई के काम से का मकान बना दो, गरीब की शादी करा दो लड़की की, बेटा कोई गरीब हो उसने सहायता दे दो, बीमार है उसने दिखा दो, इलाज करा दो जी। बेटा मन 3 चेहरा की आंख करवा दी, ले जींद मतलब काबिले तारीफ है कि जहां अपना खुद का सगा परिवार आपकी मदद नहीं करता, वहां डेरा सच्चा सौदा आपको मकान तक बना कर दे, मकान तक बना कर दे बेटा जी। तो आज आपको क्या लगता है कि ऐसे गुरु की समाज को कितनी जरूरत? ये पूछेगी बेटा, अड़ दिल में बस नहीं धड़क धड़क रो 24 घड़ी जन क्यों नहीं आंदा, बहुत गलत है, हमने भी मोदी की माननी पड़ रही थी, हमने बाबू को कहे थे बाबू सही है जब इन्हों को है बेटा सरकार की मानो जी, फिर भी वो इतनी मतलब आज भी आपके गुरुजी ये कहते हैं कि सरकार की सारी आज्ञाओं का पालन करो, हमने उसकी पालन आज उसकी भी कोई कानून के खिलाफ नहीं है, आज भी आप सरकार का पालन कर रहे हो, उसकी उसकी उसका हमने उसकी वोट दी जी, साहब ने वोट दी, एकता करके वोट दी, तो यू बनाया नहीं इसने, कौन बनाया था नहीं, झूठे कप दो यू है जी। तो आपको तो कहना है कि मोदी की सफलता में भी डेरा सच्चा सौदा का काफी बड़ा हाथ है, घना घना है बेटी। तो माता जी, आप सरकार से आज क्या अपील करना चाहेंगे अपने गुरु जी के लिए? का हमारा नगाल दो, तोड़े गाल दो, न्याय होना चाहिए यू जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये महिलाएं भी आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं अपने गुरुजी के लिए, हम दर्शन करने एकदम निर्दोष है, और ये लोग आज अपने गुरुजी के लिए काफी तरस रहे हैं, इनकी श्रद्धा इनकी भावना इनका विश्वास आज भी अपने गुरु पर अटूट है। घना है बेटा, थोड़ा को नहीं घना है जी।